फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी अवनी ओओटीडी। यस, हम जा रहे हैं डांडिया के लिए। आप सबको बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं, हैप्पी नवरात्रि। और नवरात्रि तब तक पूरी ही नहीं हो सकती जब तक आप डांडिया के लिए ना जाएं। तो हम भी आज डांडिया के लिए जा रहे हैं। यूएस का डांडिया कैसा होता है ये मैं आपको दिखाऊंगी। हम एडिसन जा रहे हैं हमारे कुछ फ्रेंड्स के साथ, तो आप ये देख पाएंगे, जैसा मैंने मेरे पहले व्लॉग्स में भी बोला है कि यूएस में ऐसी कोई चीज नहीं है, स्पेशली न्यूयॉर्क का जहां तक मुझे पता है, ऐसी कोई चीज नहीं है इंडियन फेस्टिवल्स में जो कि ना होती हो, ऑलमोस्ट हर ही चीज होती है। तो आज आप नवरात्रि भी देख लेंगे मेरे साथ। तो चलिए हम वहां पे आपको माहौल दिखाएंगे, सबके डांसेस दिखाएंगे और इंजॉय करेंगे। रे हालो, लेट्स गो। सो डांडिया में जाने के पहले सबसे पहले शुरुआत की मैंने और मयंक ने घर में आरती करके, जो हम पूरे 9 दिन घर में करते हैं। सो आपके लिए छोटी सी ग्लिम्स हमारी आरती का। वी आर रेडी। और जैसा कि मैंने आपको बोला, हम जा रहे हैं हमारे डांडिया वेन्यू पर। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि हमारा वेट कर रहे हैं, हम उनके साथ वहाँ पहुँचेंगे और डांडिया करेंगे। यूएस में रह के अगर आपको देसी लाइफस्टाइल देखनी है तो यू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब मी। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, हम इतने देसी हैं और इतने देसी बनकर जा रहे हैं, और आप वहाँ जाएंगे तो सभी देसी दिखने वाले, देयर विल बी नो डिफरेंस। सो प्लीज़ लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब देसी कॉन्टेंट के लिए। तो हम जहाँ जा रहे हैं ना, वो हमारे घर से अराउंड 1.5 घंटे की कैब से राइड है एडिसन। हम न्यूपोर्ट में रहते हैं। आई होप तब तक मेरा मेकअप ख़राब ना हो, वैसे कैब में नहीं ख़राब होगा, बट यप। चलिए, सो या हम आ गए हमारे वेन्यू पर एडिसन में, साउथ हॉल एक्सपोजिशन सेंटर। हम वेट कर रहे हैं अभी हमारी फर्स्ट टाइम इन माय ब्लॉग। सो आइए थोड़ा सा वेन्यू घूमते हैं। यहाँ पर इंडियन स्टॉल्स लगे थे, खाने की चीज़ें थी, ज्वेलरी एंड आइसक्रीम्स एंड चाट एंड लहंगा चोली एवरीथिंग। सो जैसा मैंने आपको बोला, आपको यूएस में रह के कभी नहीं लगेगा कि आप इंडिया मिस कर रहे हो। इतना अच्छा पांडाल तो कई बार ना इंडिया में भी नहीं सजता है, बट देखिए सब कुछ मिल रहा था और आप नेक्स्ट इवेंट के लिए भी कुछ ले सकते हो अगर आप इंडिया से नहीं लाए थे तो। Then I thought why not have some me time or fun, so I gave my personal 1-to-1 shots ताकि मैं जब तक सबके साथ करूँ और मेकअप बिगड़ जाए उसके पहले अपने shots दे देती हूँ। Okay, so let's sit here and time for some Q&A with our friends. बताओ, नवरात्रि इन इंडिया और नवरात्रि इन यूएस? इंडिया, अब तक तो इंडिया है। इंडिया 1, यूएस। नवरात्रि इन इंडिया और यूएस? इंडिया। नवरात्रि इन इंडिया और यूएस? इंडिया। आइए आपको मैं हॉल दिखाती हूँ। इतना ग्रैंड हॉल था एंड वी स्टार्टेड द डांडिया वाइब फोटो सेशंस। डांडिया मस्ती। अब आप पूरे व्लॉग में बस यही देखने वाले हैं, मैं बहुत सारा नाचते हुए, थकते हुए, खाते हुए एंड एंजॉय करते हुए। बोलिए अम्बे मात की जय, देखते जाइए। Oh, yeah.
लाइक ऑलरेडी टायर्ड आफ्टर राउंड वन. सब लोग बैठे हैं और रेस्ट ले रहे हैं. बहुत सारा डांडिया करने के बाद टाइम टू हैव सम स्नैक ब्रेक. तो अब हम बाहर आए और हमने कुछ खाया. ये पहले वो डेकोरेशन मैं आपको दिखा रही हूँ जो बाहर था, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं खाना लेने के लिए. एंड वी गॉट आर स्नैक्स, सो वी आर ईटिंग. टाइम फॉर राउंड टू, लेट्स गो फॉर डांडिया अगेन. जब सारा फन हो ही रहा है तो ये भी थोड़ा सा ठुमका लगा लेते हैं. आपने बहुत इंजॉय किया मेरे साथ, और ऐसी ही सिमिलर डांडिया नाइट्स आपने इंडिया में होती हुई देखी होगी. सो अगेन गिविंग यू अ रेफरेंस कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगा. और आप मुझे लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब करते ही जाइए, बिकॉज अब आपको यूएस का कॉन्टेंट देखने को मिलता ही जाएगा अगेन फॉर कपल ऑफ मंथ्स और प्रॉब्ली बहुत सारे टाइम के लिए. सो यस, नवरात्रि के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. बोलिए अंबे मात की जय. फिर से मिलते हैं. बाय बाय.